साइबर सिटी गुरुग्राम में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने लॉकडाउन लगने से लेकर अब तक कुल 662 FIR दर्ज की हैं, जिसमें से 749 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में भी 18 मामले दर्ज किए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने इस दौरान चालान काट करीब 63 लाख रुपए लॉकडाउन के दौरान भी वसूल किए हैं। बीते 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद पूरे देश समेत गुरुग्राम में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद से ही लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले और उसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर सख्ती बरती थी। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं और घरों से बाहर निकलकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब गुरुग्राम पुलिस ऐसे लोगों को रोककर पूछताछ करती है तो अनाप शनाप बहाने बनाकर पुलिस को गुमराह भी करते हैं। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये लॉकडाउन के आदेश होने के बाद कुछ लोगों ने इसकी वायलेशन की है, उनके खिलाफ हमने जो भी कार्रवाई कानून सम्मत बनती है वो की है। इसके दौरान हमने 188 के तहत 367 केस रजिस्टर किए हैं। 269-270 IPC के तहत 18 केस हमने रजिस्टर किए हैं। IT एक्ट के तहत 2 केस रजिस्टर किए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 175 केस रजिस्टर किए हैं और व्हीकल्स के जो चालान हैं 1415 हमने किए हैं जिन्होंने वायलेशन की है, और उनमें से टोटल 654 व्हीकल्स जो इम्पाउंड किए गए हैं। टोटल अरेस्ट इसमें 749 लोगों की गई है और व्हीकल जो सीज किए हैं वो 335 हैं, और फाइन जो हमने उनसे वसूल किया है जो वायलेटर थे उनसे 63,40,400 रुपये हमने जो जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन की थी उनसे फाइन वसूल किया। SP क्राइम प्रीत पाल सिंह की माने तो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह अपने घर पर रहकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। यही नहीं, SP क्राइम ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मैं सभी से यही अपील करूंगा कि आप इस तरह की चीज़ें ना करें, ये आपके लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए नुकसानदायक हैं, और जो भी वायलेशन करेगा मजबूरन हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए आपका और सोसाइटी का इसी में फ़ायदा है, जो भी सरकारी आदेश हैं उनकी पालना करें, अपने घरों में रहें, इसी में सबकी का भला। खबर तहलका के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।